फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप बिना आधार कार्ड के अपना हेल्थ आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम जानेंगे इस वीडियो में बिना आधार कार्ड के आप अपने मोबाइल नंबर के सहायता से कैसे हेल्थ आईडी कार्ड बड़े ही आसानी से बना पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे टाइप करना है health.id.nd.hm.gov.in। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, देखिए ये जो भी हेल्थ आईडी होम करके आ रहा ना, और ये वेबसाइट है, इसको ही ओपन करना आपको। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप अपने मोबाइल फोन से ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये बनाया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगा क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे क्रिएट योर हेल्थ आईडी पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक हेयर करके आई डोंट हैव आधार कार्ड, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अब देखिए, ये अगर जनरेट वाया आधार करते हैं तो आप आधार बेस्ड पे बना पाएंगे। आधार बेस्ड पे कैसे बनाना है, इसका फुल प्रोसेस वीडियो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्लिक हेयर कर देंगे और बिना, देखिए मोबाइल नंबर से हम करेंगे। देखिए, जनरेट वाया मोबाइल यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। हालांकि यहाँ पे जो भी शर्तें हैं इसको हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़े पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा चीज हिंदी में आ जाएगा। आप जो भी है ये सारी चीजें आप हिंदी में पढ़ लीजिए। आप यदि एग्री हैं तो यहाँ पे आई एग्री पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से आई एम नॉट ए रोबोट पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से सबमिट कर देंगे। तो हालांकि यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देखिए, ये सबमिट हो गया है। ये जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेम लिख लिया। देखिए, नेम में क्या है कि प्रथम नेम लिखना आपको कंपलसरी है, उसके बाद से मिडिल नेम आपका है तो लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। लास्ट नेम है तो आप लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, लेकिन प्रथम नेम अनिवार्य है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लीजिए, जो भी है। मैं यहाँ पे रेंडम चूज करने वाला हूँ, कोई ओरिजिनल नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे हम ईयर चूज कर लेते हैं, जो भी ईयर है। उसके बाद देखिए, जेंडर आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पे बता दीजिए, अन्यथा यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहता हूँ, चाहती हूँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे आपको पीएचआर एड्रेस सेट कर लेना है। पीएचआर एड्रेस वो ईमेल आईडी की तरह होता है कि यूनिक होता है, वो किसी एक ही पर्सन को मिल सकता है। अगर आपने जो भी लिखा हुआ है, जैसे आपका नाम अंकिता आपने लिखा हुआ है, तो ये किसी ने पहले से ले रखा है तो यहाँ पे ऑलरेडी टेकन लिख देगा। आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ यूनिक वर्ड यहाँ पे लिख दीजिए जो कि आपसे मिलता जुलता हो, आपको याद रखने योग्य हो। यहाँ पे न्यूमेरिक भी जोड़ सकते हैं आपके सुविधा के अनुसार। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है MAU। अब ये यहाँ पे हट गया है जो भी रेड अलर्ट था। पासवर्ड यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। पासवर्ड में आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, और उसके बाद से कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्ट भी लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं एज इट इज। देखिए, यहाँ पे पासवर्ड का हिंट दे रहा है, अब वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस तो कंपलसरी नहीं है। देखिए, कंपलसरी जहाँ पे है वो तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो इसमें जो चीज कंपलसरी है वही हम भरने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे यूपी में उत्तर प्रदेश सर्च कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश हमने सर्च कर लिया है, ये कंपलसरी है इसलिए आपको लिखना जरूरी है। जिला कंपलसरी है इसलिए लिखना जरूरी है, तो हम यहाँ पे ये चीज लिख लेते हैं। उसके बाद से पता कंपलसरी नहीं है, नहीं फिल करेंगे। पासवर्ड कंपलसरी है, वो फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स फिल कर लिया है, उसके बाद से अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन लिख करके आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक आपकी हेल्थ आईडी बन चुकी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो हेल्थ आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए, आपका जो भी नेम है, हेल्थ आईडी का नंबर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पीएचआर एड्रेस जो आपने सेट किया था वो देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी जेंडर आपने दिया था वो मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा। क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप प्रोफाइल में एडिटिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या एडिट कर सकते हैं हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फोटो का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है क्योंकि फोटो आपने अपलोड नहीं किया हुआ था। बाकी यहाँ पे प्रोफाइल एक्शन में देख लेते हैं सारा कुछ क्या क्या दिया हुआ है। पहला तो आपका हेल्थ आईडी कार्ड का ही दे रहा है, दूसरा है माई अकाउंट्स में। माई अकाउंट्स में एडिटिंग में देख लेते हैं क्या क्या आप एडिट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं बाद में, यदि आपने बना लिया है उसके बनाते समय कोई ऑप्शन नहीं आया तो बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बाद में आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं फोटो अपलोड कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे रेंडम मैंने फोटो चूज कर लिया है। यहाँ पे आपका नेम करेक्शन करने के लिए आ रहा है, आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका जन्मतिथि करेक्शन करने के लिए दे रहा है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल है, ये तो करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। बाकी पीएचआर एड्रेस आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आप एंटर कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये स्टेट भी आपको देखने को मिल रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट भी चेंज
कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने फोटो अपलोड किया है, तो एक बार यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं आपको अपडेट होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है, प्रोफाइल अपडेटेड। और जैसे ही आपने अपडेट किया है ना, देखिए यहाँ पे फोटो भी आ गया है, जो फोटो नहीं देखने को मिल रहा था आपके हेल्थ आईडी कार्ड पे, अब फोटो भी आ चुका है और बाकी यहाँ पे प्रोफाइल पे भी देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद से और भी सारी चीजें हैं माई बेनिफिट्स के बारे में आप देख सकते हैं। तो हालांकि माई बेनिफिट्स में अभी कुछ भी आपने ऐड नहीं किया हुआ है, ऑटोमेटिक भी ऐड नहीं हुआ है, डिटेल से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ पाए होंगे कि बड़े ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से बिना आधार कार्ड का डिटेल दिए कैसे अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड और भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, आप काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप क्या जानना चाहते थे जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फ्री आप पोस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो का लिंक है सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।